अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार मटन कीमा स्पैगेटी बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में भी तैयार हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं, तो मेरी रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक स्पैगेटी का पैक है, तो उसे हम सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। तो जब पानी उबल जाए तो उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे। तो हम ऑयल इसलिए डालते हैं स्पैगेटी को उबालते हुए, ताकि जो स्पैगेटी है वो उबलने के बाद आपस में चिपके ना। तो जब पानी हमारा गर्म हो जाए और वो उबलना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसमें स्पैगेटी है जो वो सारी की सारी डाल देंगे। और हमने इसे तकरीबन 3 से 5 मिनट तक उबालना है, ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो अच्छे तरीके से पक जाए। 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और स्पैगेटी जो है वो हमारी पक चुकी है। आपने इसे एक दफ़ा इस तरह निकाल कर इसे तोड़ कर चेक कर लेना है कि ये सख्त है या नरम है। तो ये देखिए, ये नरम है, तो ये पक चुकी है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेने हैं। और हमने इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। तो जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास 2 अदर दरमियानी प्याज थी जो मैंने ब्रीक काट के रख ली हुई थी, हमने इसमें वो डाल देनी है। और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी नरम ना हो जाए। हमें इसका कलर नहीं चेंज होने देना, सिर्फ इसको सौते करना है थोड़ा सा। तो प्याज जब थोड़ा सा नरम हो जाए, तो इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा हम सौते करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसे पकाना है। और यहाँ मेरे पास 500 ग्राम मटन का कीमा है, अब हम इसमें वो शामिल कर देंगे। और हमने इसे लो से मीडियम फ्लेम के बीच में पकाना है। और हम इसे तब तक पकाते रहेंगे जब तक कीमा का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो कीमे का कलर आप देख सकते हैं सफ़ेद हो चुका है, इसका कलर मतलब चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी का डालेंगे और इसे कवर करके रख देना है हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो कीमा है वो अच्छे से पक जाए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखिए हमारा जो कीमा है वो अच्छे से पक चुका है। और अब हमने इसे तब तक भूनना है जब तक इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और इसमें खुशबू नहीं आने लग जाती। तो कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के इसे हमने मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ। आपको जितना स्पाइस पसंद हो आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस का डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरके का डाल देंगे और इसे मज़ीद हम पकाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब यहाँ मेरे पास 1 टमाटर है बारीक कटी हुई, अब इसमें मैंने वो डाल दिया है। और 1/2 कप मैं इसमें टमाटो केचप का डाल रही हूँ। टमाटो केचप का 1/2 कप इसमें डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च है और तकरीबन 1.5 कप मेरे पास बंद गोभी बारीक कटी हुई है, उसको हमने डाल के इसे भी अच्छे से हमने भून लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस सारे कीमे में। और इसे हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए सब्ज़ियाँ। और जो हमने स्पैगेटी बॉयल करके रखी हुई थी, अब हमने इसमें वो डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो स्पैगेटी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये थी सिंपल सी रेसिपी हमारी मटन कीमा स्पैगेटी की। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।